लोगों ने किस तरह से जो है वो ऐड करना है उसको समझते हैं। तो अगेन ये टूल्स एंड सेटिंग्स, फेसबुक एड्स मैनेजर मैंने बताया था कि अगर एड्स मैनेजर की भूल भुलैयों के अंदर जो है वो गुम हो जाएँ तो घर का एड्रेस जो है वो याद रखना है। तो इसमें आपके घर का एड्रेस ये टूल्स एंड सेटिंग्स वाला है जिसमें आपके पास ये सारी ऑप्शंस आप लोगों को जो है वो मिलेंगी, ठीक है। तो टूल्स एंड सेटिंग्स में आए हम लोग और ये पहला हमारे पास राइट साइड पे कॉलम है बिलिंग का, जिसमें समरी, ट्रांजैक्शन, डॉक्यूमेंट्स, प्रमोशंस और ये चीज़ें आ रही हैं। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं सेटिंग्स में, बिलिंग की सेटिंग्स के अंदर। अब पेमेंट सेटअप के ऊपर जो है वो हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे आ रहा है बिलिंग कंट्री, बिलिंग कंट्री पाकिस्तान, पीकेआर, और ये अमाउंट जो होगी ये उसी टाइम सेट होगी जब आपने अकाउंट बनाया, ये बाद में जो करेंसी है ये चेंज नहीं हो सकेगी। अब अकाउंट टाइप आपके पास दो किस्म की आ रही हैं, इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये पर्सनल है तो इसको इंडिविजुअल रख लें, अगर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन लेवल, ये जो सेकंड वाला ये ऑर्गेनाइजेशन लेवल था इसको ऑर्गेनाइजेशन कर लें, इसको अभी मैं पर्सनल इंडिविजुअल करता हूँ। उसके बाद आ रहा है नेम एंड एड्रेस, अपना नेम देना है, एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड, फ़ोन नंबर ऑप्शनल है। हाउ यू पे, पे कैसे करेंगे, ऑटोमेटिक पेमेंट या मैनुअल पेमेंट्स, ऑटोमेटिक के बजाय मैनुअल पेमेंट्स हमेशा बेस्ट रहती हैं। और इसमें जो है वो कर लें कि कितनी कितनी अमाउंट करके पे करेंगे, तो जस्ट एग्जांपल जैसे 10,000 रुपया खर्च होगा, 1,000 रुपया खर्च होगा, 500 तो मैं वो मैनुअली पेमेंट करूँगा, वो यहाँ पर एडजस्ट कर लें। उसके बाद आपके कार्ड की डिटेल है, यहाँ पर अपने कार्ड नंबर, मंथ, ईयर, सीवीसी नंबर, कार्ड होल्डर नेम, ये सारी चीज़ें पुट करें। और उसके बाद ये एडवर्टाइजिंग टर्म्स एंड कंडीशन है उसको एग्री कर लें, सबमिट कर लें, तो आपकी पेमेंट जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी, ठीक है। पेमेंट के हवाले से एक चीज़ जो है वो याद रखनी है, फेसबुक के नज़दीक, गूगल के नज़दीक, लिंक्डइन के नज़दीक सबसे बुरी चीज़ ये है कि ये आप पे एतबार कर रहे हैं और आप लोगों को, ठीक है जी, आपने सिर्फ यहाँ पे अपना पेमेंट मेथड ऐड किया है, मैनुअल पेमेंट्स हैं, और आप जैसे 500 खर्च करेंगे तो फिर ये आपको चार्ज करेंगे, और आपके अगर पेमेंट मेथड में बाद में से वो पैसे नहीं इनको ट्रांसफ़र होते तो आपका अकाउंट अगर जो है वो उसकी वजह से डिसेबल हो गया तो फिर आपका अकाउंट रिकवर नहीं होता। तो ये पेमेंट वाली ऑप्शन आपने याद रखनी है, पेमेंट का प्रॉब्लम कभी भी आने नहीं देना क्लाइंट के अकाउंट के अंदर, ठीक है। और इस, क्योंकि अगर पेमेंट का प्रॉब्लम जो है वो आएगा तो आपका अकाउंट डिसेबल जो है वो हो सकता है। तो बेशक मैनुअली पे करें, लेकिन जो कंपेन्स के ऊपर पैसे लगाए हैं वो पे लाजमी आपने करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये पेमेंट रिलेटेड सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों के पास, यहाँ पे आप लोगों ने आके ऐड कर देना। तो टूल्स एंड सेटिंग्स में आएंगे और सेटिंग्स के अंदर इस तरह जब आप लोग फर्दर पेमेंट्स वगैरह होना शुरू हो जाएंगी तो ये ट्रांजैक्शन वाले कॉलम्स में आके आप लोग जो है वो सारी अपनी ट्रांजैक्शंस वगैरह देख सकेंगे। लेकिन अभी अगेन क्योंकि बिलिंग सेटअप वगैरह नहीं है तो इसलिए अभी हमारे पास वो ट्रांजैक्शन या उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं अपीयर नहीं होंगी।